आपकी जो है ना फेस लुक वो संजू बाबा की तरह है, तो आप उसके कॉपी करें। जब मैंने वीडियो बनाई, कई दफ़ा तो मिलने का इजहार भी करते हैं, तो संजय दत्त सर ने आपसे रब्ता किया, तो तब उनके साथ बात हुई और उन्होंने मेरे लिए वीडियो भी बनाई। और क्या पैगाम दिया था आपने? अस्सलाम वालेकुम, आज हम मौजूद हैं सियालकोट की तहसील समरियाल के गांव जेठी के में, जहां हमारे साथ मौजूद है इनाम अली, जिनकी टक पे वजह शोहरत मशहूर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त सर से मिलती शक्ल और आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इनाम भाई क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है इधर गाँव में जो है ना, किराने की जो है ना वो शॉप है मेरी। टिकटॉक पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं? तकरीबन 2 मिलियन के करीब थे फॉलोअर। ये सब हासिल करने में आपको कितना टाइम लगा? टाइम तो थोड़ा अर्थ ही लगा, क्योंकि पहले मैं गज़लें बनाता था, तो फिर मेरी वीडियो जो है ना, मेरा एक दोस्त वो कहता है आपकी जो है ना फेस लुक वो संजू बाबा की तरह है, तो आप उसके कॉपी करें। जब मैंने वीडियो बनाई वायरल हो गई। तो यानी आपको किसी ने बताया था कि आपकी शक्ल जो है संजय दत्त सर से मिलती है, फिर आपने वो ट्राई किया? जी जी, मेरा एक दोस्त है वो टिकटॉक यूज़ करता था, मैं नहीं करता था, तो उसके लिए मैंने डाउनलोड की उसको लाइक कमेंट करने के लिए। तो जब उसने एक वीडियो मेरी देखी वो कहता तुम तो बिल्कुल संजय दत्त हो, फिर मैंने वीडियो बना के उसको भेजी संजय दत्त की क्लिपिंग की, तो वो वीडियो वायरल हो गई मेरी। टिकटॉक के हवाले से घर वाले सपोर्ट करते हैं आपको? जी करते हैं, जब मैं काम करता हूँ घर का सब करते हैं। यह नहीं कहते कि क्या फजूल कामों में लगे रहते हो? नहीं कहते हैं, बाकी ठीक है, शौक है मेरा, शौक ही है टिकटॉक, तो इसलिए वो कुछ नहीं कहते। ठीक हो गया। जब पीटीए ने टिकटॉक बैन किया था, आपके जज्बात और एहसास बदले थे? जी जी, दुख हुआ था क्योंकि इतने फ़ैन थे, इतने दोस्त थे बने सबके साथ जो है ना, अच्छा लगता जब टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करना मेरे दोस्त देखने और उनके लाइक कमेंट देख के बहुत ही खुशी होती थी। अक्सर लोग आपको डिग्रेड भी करते होंगे कमेंट्स में, उनको कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, मेरी तकरीबन आज तक मुझे किसी ने बैड कमेंट नहीं किया, और अच्छे कमेंट आए हैं जो है ना, सब ने तारीफ किया क्योंकि मेरी फेस लुक उसके साथ मिलती है। अक्सर स्टार जो हैं वो अपने से मुशाबत रखने वाले इंसान को सपोर्ट भी करते हैं और कई दफ़ा तो मिलने का इजहार भी करते हैं, तो संजय दत्त सर ने आपसे रब्ता किया या आपने किया? हाँ, एक तो मेरी वीडियो जो है ना वायरल हुई थी जब टिकटॉक बैन होने से पहले की बात है, तो तब उनके साथ बात हुई और उन्होंने मेरे लिए वीडियो भी बनाई। और क्या पैगाम दिया था आपने? कुछ नहीं कहते थे यार, मैं तो हैरान हूँ कि मेरी शक्ल का जो है ना बंदा मिल गया मुझे, तो मैं तो भाई आपको वीडियो पे बुलाऊँगा, आपने आना ज़रूर, मैं ज़रूर। यानी आप उन्होंने आपसे कहा था कि जब मैं दुबई आऊँगा तो आपको ज़रूर बुलाऊँगा और आपसे मिलूँगा? जी जी, उन्होंने यही बात की थी और वीडियो भी बनाई थी, मैंने अपलोड भी की है टिकटॉक पे, आईडी पे जो है ना वो वीडियो भी अपलोड की है। अरे भाई सलाम, कैसे हैं आप? मिस यू, लव यू, जल्दी आइए। जैसे कि आपकी शक्ल और प्रॉपर आवाज़ भी उनसे मिलती है, कभी दिल करता है एक्टिंग का या पाकिस्तान इंडस्ट्री में, या कभी किसी ने ऑफर की हो? हाँ, मुझे ऑफर भी आई थी, मेरे दोस्त हैं जेलम, उन्होंने ड्रामा शूट किया वो गैंगवार, उन्हें बोला था कि इसमें जो है ना आप इंटर हों, तो तभी मेरे पास टाइम नहीं था, और नेक्स्ट मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर पाकिस्तान के लिए काम करूँगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अपना सर टाइम देने के लिए। ठीक।